कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड आपका फिर से मैं नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो फ्रेंड आज का ये जो ब्लॉग है फ्रेंड हम लोग आए हुए हैं करौता स्टेशन। जी हाँ फ्रेंड, जो कि यहाँ पे एक मंदिर है, माँ जगदम्बे माँ का मंदिर है। जी हाँ फ्रेंड, जो कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सारा मनोकामना मांगने से पूरा होता है। और फ्रेंड ये जो मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं करौता का माँ जगदम्बा मंदिर। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं माँ जगदम्बे करौता मंदिर। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं माँ करौता मंदिर। तो फाइनली देख सकते हो फ्रेंड आप लोग करौता स्टेशन देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, करौता स्टेशन माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए यहाँ उतरे। ठीक है फ्रेंड, माँ जगदम्बा के लिए दर्शन के लिए यहाँ उतरे, यानी कि माँ जगदम्बा मंदिर जो है यहीं पे है और मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ दर्शन कराने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और मेरे साथ चलिए माँ जगदम्बा मंदिर। करौता स्टेशन ही है और करौता धाम का नाम भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए यहीं पर भीड़ इतना लगा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड माँ करौता का यहाँ एंट्री गेट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है माँ जगदम्बा द्वार। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से जो है मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से जो है मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। और देख सकते हो बगल में ही स्टेशन है, आप देख सकते हो वहाँ से मैं उतर चुका हूँ और ये द्वार है और जो है इसके सामने से मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग जो है आधा रास्ता आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कितना खेत आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखिए पीछे जो लोग जा रहे हैं और पीछे से जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि जो माँ जगदम्बा देवी है करौता माँ वो कहाँ बहुत अंदर, मैंने 10 मिनट का रास्ता है, आप लोग पहुँच जाइएगा और आप पैदल भी पार कर सकते हो स्टेशन से। और जो दूरी देख सकते हो ना, आप लोग वीडियो का मज़ा उठाइए, यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम तो सोचे कि मौसम अच्छा है चलिए घूम लेते हैं, पर यहाँ तो गर्मी क्या बताए। पर आप लोग वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आप लोग हम पहुँचने वाले ही हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग मंदिर पास आ चुके हैं, ऊपर में आप लोग देख सकते हो मंदिर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम आपको पास में जाके दिखाते हैं कि आपको मंदिर देखने में कैसा लग रहा होगा। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग जो है गेट के अंदर एंट्री ले चुके हैं और आप लोग जो है पीछे देख सकते हो वही मंदिर है माँ जगदम्बा मंदिर का, करौता मंदिर वही है। तो चलिए हम लोग आपको जो है दर्शन कराते हैं। ये देखिए आपको यहाँ मूर्ति खिलौना वगैरह देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे नारियल भी देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हो नारियल पूरा यहाँ नारियल भी फोड़ा जाता है यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे खिलौना वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नारियल वगैरह। चलिए फ्रेंड फाइनली हम आपको मंदिर दिखाते हैं कि कौन मंदिर है माँ जगदम्बा मंदिर का। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जो चुनरी बांधा हुआ है वो कामना के लिए बांधा जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन, वेट कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड जो अंदर चल रहा है ना फ्रेंड, आप लोग उसको देख लिया होंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड अंदर आप लोग को पेड़ दिख रहा होगा वहीं पर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंदर में पूजा हो रहा है, वही माँ बन देवी मंदिर के फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड यही जो पेड़ है इन्हीं को पूजा जाता है, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं फ्रेंड इन्हीं को पूजा जाता है। देख सकते हो फ्रेंड यह जगह जगह जो है चुनरी बांधा जाता है, जिनका भी मनोकामना पूरा होता है वो यहाँ पे चुनरी बांधते हैं और जिनका मन्नत रहता है वो भी यहाँ चुनरी बांधते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, वही माँ बन देती है जो आप लोग पेड़ पे देख रहे हो ना चुनरी बांधा हुआ है, उन्हीं को पूजा किया जाता है। और नीचे में आप देख सकते हो एक मंदिर होगा, वही मंदिर को जो है पूजा किया जाता है। और इस पेड़ का आप लोग कहानी जानते होंगे, इस पेड़ का कहानी, इन्हीं पेड़ को पूजा जाता है। और वो देखिए पंडित जी जो कि पूजा करा रहे हैं, यहाँ देखिए वो पंडित जी जो हैं जो पूजा करा रहे हैं। और अंदर से जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, यहीं पे पूजा होता है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं यहीं पे जो है पूजा होता है।
मैं आपका दिखाता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे देखिए कुछ पत्थर होगा, देखिए पत्थर होगा, उन्हीं को पूजा किया जाता है। वही माता जगदम्बा मंदिर है। और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ ये सारा मनोकामनाएं पूरा करता है। और प्लस में क्या बात है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मानता है वो सब पूरा होता है। जितना आप चुनरी देखें वो मन्नत और मनोकामना का पूरा चुनरी बांधा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और वो मूर्ति है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यही मंदिर है फ्रेंड, आप लोग देख लिए होंगे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए हम भी पूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यही पूजा किया जा रहा है अंदर में, और आप लोग देख सकते हो लिफ्ट गेट यहाँ पे है। और चलिए हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। विद्या भंडार भरेंगे और धन लक्ष्मी को ढेर लगाए रखेंगे और कृपा की बारिश सदा बरसाए रखेंगे। माता रानी का घर बनाने में आप सभी मदद करें, सहयोग करें यथा संभव, और माई आप सभी को सदा बनाए रखें। और बाल गोपाल की फुलवारी सदा सजाए रखेंगे। माता रानी रोजी रोजगार देंगे, दीर्घ आयु देंगे, विद्या का भंडार भरेंगे और संजीता देवी को अपने आंचल में सदा सजाए रखेंगे, सवारे रखेंगे और कृपा की बारिश सदा बरसाए रखेंगे। माता रानी बोले सचिन देवाय आपके भव्य मारक में एक ब्राह्मण रुपया सहयोग किए। माता रानी तो वीरों को जोड़ी को चला सुहागन बनाए रखेंगे और बाल गोपाल से फुलवारी सजाए रखेंगे, ढेर लगा रखेंगे और सब परिवार को सुख शांति प्रदान करेंगे, सुख तकलीफ को दूर करेंगे। हमारी बोलो सचिन द्वार की जय, आज के अनंत भगवान की जय, अपने अपने मात पिता की जय। तो माता रानी के दरबार में आप सभी भक्तों आए थे, तो भाई को जन्मा संभव सही होंगे। तो फाइनली फ्रेंड, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा माँ जगदम्बे का वीडियो। तो फ्रेंड आप लोग मैं बता दूं, यहाँ जो मन्नत है, जो भी मन्नत सब मांगता है वो सब मन्नत पूरा हो जाता है। आप लोग जितना चुनरी देखे हैं सब चुनरी मन्नत का मांगा जाता है। जो कि कुछ भी अगर मन्नत मांगता है वो अगर पूरा होता है तो यहाँ चुनरी और सब नारियल फोड़ने आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं भी नारियल फोड़ा हूँ और मैं भी प्रसादी लेके घर जा रहा हूँ। और मैं बता दूँ फ्रेंड, आप भी अगर आए हुए हैं यहाँ पे तो आ सकते हैं, और फ्रेंड जो नहीं आए हैं वो भी आइए, क्योंकि फ्रेंड ये जो मंदिर है बहुत नामी मंदिर है, हर कोई ये मंदिर घूमने आता है, दूर दूर से लोग आते हैं। और आप लोग भीड़ भी देख सकते हो कितना भीड़ है। तो हम निकलते हैं घर की ओर, और ये ब्लॉग जो है यहीं समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना।